हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीसी क्लासेस, विनीता बैंकिंग क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंटी डेटेड चेक क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं और सेल्स चेक क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी डेटेड चेक क्या होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एंटी डेटेड चेक। तो एंटी डेटेड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो चेक है उस चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने तक की होती है। अगर हमें कोई भी चेक देता है तो उस चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने तक होती है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, उस चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करा सकती हूँ, राइट। और वही होता है उस चेक में, एक आता है एंटी डेटेड, एक आता है पोस्ट डेटेड और एक आता है सेल चेक। एंटी डेटेड चेक क्या होते हैं, एंटी डेटेड चेक वो चेक होते हैं जिनका टाइम पीरियड अभी निकला नहीं है। जैसे कि मान लो वो चेक जो मुझे आज मिला हुआ है, ठीक है, उस टाइम उस चेक की वैलिडिटी कितनी है, 3 महीने तक की है। 12 मार्च है तो उस चेक की वैलिडिटी कितनी है, 3 महीने तक की है, राइट। अब वो चेक हुआ है हमारे पास, हमारे घर पे रखा हुआ था, हमारे पास टाइम नहीं था तो मैं गई नहीं बैंक में जमा कराने के लिए उस चेक, और उस चेक को रखे रखे 2 महीने हो गए और 2 महीने के बाद मुझे याद आया यार मेरे पास एक चेक था, मुझे जाके डिपॉजिट कराना है, ठीक है, बैंक में जाके। तो ऐसे चेक क्या हो गए हैं, एंटी डेटेड चेक, यानी कि जो ओल्ड हो गए हैं, यानी कि हमारे पास रखे हुए हैं लेकिन अभी तक उसका टाइम पीरियड नहीं निकला है, उन चेक को हम क्या कहते हैं, एंटी डेटेड चेक, राइट। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट डेटेड चेक। क्या आता है, पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड वो चेक होते हैं जिन जो चेक के ऊपर है ना जो डेट डली होती है, कौन सी डेट पड़ी होती है, फ्यूचर डेट पड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कौन सी डेट पड़ी होती है, फ्यूचर, कौन सी पड़ी होती है, फ्यूचर डेट, ठीक है। अब हमारा आता है सेल चेक। सेल चेक क्या होता है, सेल चेक वो चेक होता है जिसका जो टाइम पीरियड है ना 3 महीने का, वो निकल चुका है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक चेक था, एक नाम से मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ए नाम का व्यक्ति था, वो बहुत बिजी रहता था, ठीक है, उसको किसी ने चेक दिया, ठीक है, उस चेक आया उसके पास, 3 महीने हो गए उसके पास उस चेक को पड़े पड़े, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास एक चेक भी है, ठीक है, 3 महीने हो गए अब उसके पास ध्यान ही नहीं था कि उसके पास चेक भी है। अब उसको जब बाद में उसने जब देखा कि यार चेक हो गए, उसका तो टाइम पीरियड निकल गया 3 महीने के बाद, तो वो कौन से चेक हो जाएंगे, स्टेल चेक हो जाएंगे। कौन से चेक हो जाएंगे, स्टेल चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा एंटी डेटेड चेक क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं, स्टेल चेक क्या होते हैं, एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। एंटी डेटेड चेक वो चेक होते हैं जिनका टाइम पीरियड अभी तक निकला नहीं है लेकिन हमारे पास टाइम हो गया उसको रखे रखे, ठीक है, 3 महीने का टाइम होता है, 2 महीने हो गए या फिर 2 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन 3 महीने नहीं हुए कंप्लीट, उस चेक को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेटेड चेक। वही आता है पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड वो चेक होते हैं जिस चेक के ऊपर फ्यूचर की डेट पड़ी होती है, वो कौन से चेक होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। सेल चेक क्या होते हैं, सेल चेक वो चेक होते हैं जो 3 महीने उसके कंप्लीट हो गए हैं, वो कौन से चेक होता है, सेल चेक, उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बासा चेक, यानी कि 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं उस चेक को, तो वो कौन से चेक हो जाते हैं, सेल चेक। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा, एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक और सेल चेक क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।